हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड कलेक्शन। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं दमन मूवी के डे 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि दमन एक उड़ियन मूवी है और इस मूवी को हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया है और इस मूवी को पब्लिक बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रही है। पब्लिक इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और वहीं इस मूवी को पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और पर्सनली ये मूवी मैंने खुद भी देखी और मुझे भी ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर बात करें इस मूवी के कलेक्शन की, तो आप सभी को पता है इस मूवी के पास जो स्क्रीन्स काउंट है, जो शोज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जिस तरह से हम सोच रहे थे कि इस मूवी का कलेक्शन इस तरीके से आएगा, उस तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पठान मूवी के साथ इस मूवी का क्लैश हो चुका है, जिसकी वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। लेकिन जितना आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है और आने वाले समय में इस मूवी का जो कलेक्शन है वो इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे इस मूवी के जो शोज़ हैं, जो स्क्रीन काउंट हैं, वो इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर बात करें इस मूवी के पहले 4 दिनों के कलेक्शन की, तो पहले 4 दिनों में इस मूवी ने लगभग 53 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, यानी कि 53 लाख का इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और अगर बात करें डे 5 की, तो डे 5 पर भी ये मूवी गिरने वाली नहीं है, क्योंकि इस मूवी के पास स्क्रीन काउंट और शोज काफ़ी ज़्यादा कम है और पब्लिक इस मूवी को अब भी बढ़ बढ़ कर प्यार दे रही है, बढ़ बढ़ कर इस मूवी के जो सिनेमा की तरफ पब्लिक जा रही है। इस मूवी का जो कलेक्शन है स्टिल वैसा ही आ रहा है जैसा कि डेली बेस पर इस मूवी का कलेक्शन आ रहा है। तो वहीं इस मूवी का जो कलेक्शन है वो भी आज भी 6 से 8 लाख तक का आने वाला है। अगर ये मूवी आज इतना कलेक्शन कर लेती तो इस मूवी के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन होगा और इस मूवी का टोटल 5 दिनों का कलेक्शन हो जाएगा 59 से 61 लाख, जो कि अच्छा कलेक्शन होगा इस मूवी के लिए। तो फाइनली अगर आपने दमन मूवी देखी तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो को देख सकें।